हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में स्वागत है आप सभी लोगों का, मेरे यूट्यूब परिवार को। फ्रेंड्स, मैं सुमन कानपुर से। देखिए फ्रेंड्स, ये हिबिस्कस में कितना अच्छा सा फूल आता है, और ये नेट ने हमारी कैसे तोड़ दिया है चारों तरफ से, ये देख रहे हैं। लेकिन ज़रा सी स्किन देखें इसमें, ये लगी हुई है तो स्किन अभी भी बचाए है, देखिए इसको। और ये जो बिल्कुल टूट के अलग हो गई फ्रेंड्स, वो सूख गई है, ये देखिए जो एकदम से ये सूख गई है, और बहुत सुंदर से इसको बचा लिया है, अच्छे ढंग से बचा लिया है। लेकिन मैं इसको किसी दिन कोशिश करूँगी, जब तक अभी इसमें बना है ऐसे बना रहेगा, फिर इसके बाद मैं बांधने की इसमें ऐसे कोशिश करूँगी, बांधूँगी तो इसी से चिपका दूँगी, तो फ्रेंड्स इसका जीवन फिर से शुरू हो जाएगा अच्छे ढंग से। और ये फ्रेंड्स, जब भी हो तो शाम को हमेशा ऐसे पानी डाल के इन पत्तियों की धुलाई ज़रूर करें, क्योंकि इन पत्तियों से ही खाद पानी इशारा मिलता है इनको, पोषक तत्व। क्योंकि इन दिनों में अगर ज़्यादा हम लोग खाद डालेंगे तो ये सारे पौधे झुलस करके मर जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इनको इस तरह से ज़रूर ऐसे सब पूरा धुलते रहें, ऐसे धुल धुल करके, चाहे एडेनियम हो या कोई भी पेड़ हो, इनको इनकी लीफ से ज़रूर धुल दें। और मैं तो क्या करती हूँ कि 24 घंटे में एक ही बार पानी डालती हूँ ऊपर आकर के, तो इतना मैं भर देती हूँ इनमें, इतना भर देती हूँ कि ऑटोमेटिक 24 घंटे तक इनकी जड़ें ठंडाती रहती हैं। और अगर सुबह सुबह भरूँगी तो सुबह से क्या होता है इनमें कि इतना इतना वो हो जाता है कि इनकी पानी गर्म होकर के बिल्कुल जड़ों को जलाने का काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी पानी डालें, गर्मियों में तो ज़्यादातर शाम मीटिंग ही पानी डालें। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसे भर दें इनको, अच्छे ढंग से इनको भर दें, इनकी पत्तियों को ऐसे नहला दें, क्योंकि इनको नहलाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे भर देने के, क्योंकि ये फ्रेंड्स अगर पत्तियों को धुलते रहते हैं तो ये पत्तियों के थ्रू अपना भोजन लेते रहते हैं, और पत्तियों में ये डस्ट बैठती जाएगी तो इनमें इनको भोजन नहीं मिल पाएगा, तो पौधा उतना डेवलप नहीं करता फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कितने बड़े बड़े इसमें अमरूद अभी हो गए हैं, कुछ झड़ गए हैं, और कुछ इनमें फूल भी आ रहे हैं। देखिए कैसे इनमें फूल आ रहे हैं। तो फूलों में क्या करें कि ज़्यादातर कोशिश हो सके तो फूलों में पानी ना डालें, क्योंकि फूल इनकी ये झड़ जाएंगे, ये तो ये फूल में इनको फल में फिर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और ये देखिए, इतनी गर्मी में भी और ऊपर से टेरिस पर ये कितनी सी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही ज़रा से अमरूद में, तो आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। तो जितना हो सके फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि ऐसे इसमें ऐसे पानी भर दें यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे आम में पता नहीं कौन सा रोग लग गया था, फिर इसमें काफ़ी दवा हवा डाली मैंने, दवा हवा डालने के बाद में अब इनके देखिए फिर से रूट्स ये तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, और इनके लीव्स थे वो बिल्कुल झड़ चुके हैं, तो उसमें कोई मुझे टेंशन वाली बात नहीं है। जब ये लीव्स झड़ गए, अगर डंडी हरी बनी रही तो अपने आप फिर से देखिए रूट्स निकलने लगे, इसमें कितने अच्छे ढंग से रूट्स निकल रहे हैं। और ये फ्रेंड्स देख रहे हैं, फर्स्ट लव का रेड कलर का कितना प्यारा से फूल आए हैं। एक डंडी बच गई थी किसी भी प्रकार से, तो उसी में फूल आया हुआ है, और बहुत प्यारा लग रहा है। एक तो गोल्डन कलर का है तो साइड से रखा हुआ है, और फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल आए हैं। एक्चुअली में धूप के कारण काफ़ी झुलस भी जा रहे हैं, तो इनकी केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, ये ड्रॉप वैरायटी का ये कोमा है,
तो देख रहे हैं कि जो है कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगी कि इस समय ज़्यादा खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं, लालच ना करें कि ज़्यादा खाद पानी दें फ्लावरिंग आए तो हो, जैसे तैसे इनको बस ज़िंदा रखना है एक दो महीने, फिर इसके बाद में फिर अच्छे से खूब अच्छी ढंग से ब्लूमिंग होना शुरू हो जाएगी, तब इनका केयर करें, ध्यान दें। और फ्रेंड्स, गर्मी आ गई है तो अपना भी ख्याल बहुत अच्छे ढंग से करें।